फ्रेंड्स, आज के टीजर आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज के ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग निकले हैं वन डे ट्रिप पर। जी हाँ, अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग। और मसूरी से जो डेस्टिनेशन है ये है अप्रॉक्स 25 किलोमीटर और देहरादून से है ये 45 किलोमीटर। हम लोग मसूरी से ना जाके हम लोग जाएंगे डिफरेंट रूट से। तो आप ब्लॉग देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा कौन सा रूट हम लोगों को लिया है और कौन कौन से वेन्यूज हैं वहाँ पे जो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बिकॉज ये रूट जो है थोड़ा आइसोलेशन में बहुत कम लोग जाते हैं, दोस्तों। जैसे आप विकासनगर क्रॉस करेंगे तो आपको ये साइन बोर्ड दिखेगा, इसमें एक रास्ता कालसी की तरफ जाता है, एक रास्ता कटापत्ता। तो आपको इधर टर्न नहीं लेना है, आपको विकासनगर क्रॉस करके कालसी तक जाना है, देन फिर टर्न लेना है। आगे अभी साइन बोर्ड आएगा, मैं आपको शेयर करूंगा। ये आगे हमारा साइन बोर्ड, देखिए यहाँ से एक रास्ता चक्राते जाता है, एक रास्ता यमुनोत्री। तो हम लोग यमुनोत्री की तरफ टर्न कर लेंगे। करीब 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमको ये व्यू मिलेगा। यहाँ पे ये पहला स्टॉप है हमारा, एक आयरन का ब्रिज होगा और यहाँ पे एक घाट है, एक काली का मंदिर है। काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छा, और उसके बाद आप दोबारा से नेक्स्ट हॉल ले सकते हैं जो यहाँ से पड़ेगा आपको 20 से 25 मिनट की दूरी पर। वहाँ से एक ऐसा व्यू दिखता है जो शायद देहरादून का आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। यमुनोत्री जा रही है और बिल्कुल पहाड़ों के बीच से और वो हिमाचल में जाके मिलती है। तो दूर तक पहाड़ हैं और बीच में से नदी है। तो जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। रोड्स बहुत अच्छी हैं, कहीं कहीं पर आपको जहाँ पर चढ़ना है वाटर ब्लॉकेज वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, अदरवाइज रोड्स आर ऑसम, कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर, ये है व्यू। यहाँ से आप देख रहे हैं दूर तक पहाड़ियाँ हैं और यमुना जी बह रही हैं। फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ से अगेन करीब 25-30 मिनट्स की ड्राइव पे एक और पॉइंट है। जी हाँ, ये है कटापत्थर का पॉइंट। अगर हम उसको कटापत्थर की रोड से आते तो हम उस साइड में रहते जो रोड आपको दिख रही है, बट हम लोग डिफरेंट साइड से जा रहे हैं नया रास्ता एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम डिफरेंट व्यू देख रहे हैं। दोस्तों, अगेन हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अपना मेन डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे। जी हाँ, जो है थर्ड पॉइंट, बट उसके लिए हमें ड्राइव करना होगा करीब 40-45 मिनट्स। सो गाइस, आखिरकार करीब 1.25 घंटे की ड्राइव पे आफ्टर देहरादून हम लोग पहुंच गए हैं एक बहुत अच्छी खूबसूरत डेस्टिनेशन पे, जो है बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट। लोग कटापत्थर तक आगे चले जाते हैं, आगे तक नहीं आते। ये उससे भी डिफरेंट स्पॉट है। सामने आयरन का ब्रिज है, अभी हम लोग चलेंगे उसे एंजॉय करेंगे, वहाँ सेल्फी पॉइंट है, फोटोग्राफ्स करे लेंगे थोड़े से और आराम से बैठेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा है कि अमेजिंग व्यू है। जो जो लोग फोटोग्राफी पसंद करते हैं उनके लिए ये एक तरीके से जन्नत है और टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और बस जितना कह लिए उतना इस पॉइंट के लिए कम है। सो गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पे हम लोग रोकेंगे, बट जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। मेरा अगला ब्लॉग आएगा, इसी जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं ट्रेलर लास्ट पे दिखा रहा हूँ आपको, एक टीज़र शेयर कर रहा हूँ, सो डैट आप वेट करें दूसरा ब्लॉग आने के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, पार्ट टू ऑफ वन डे ट्रिप ऑफ नागथाट। ये हमारा टीज़र नेक्स्ट ब्लॉग का। आप देखेंगे कि अगला ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्ती भरा होने वाला है, बहुत फन है, एडवेंचर है और डिफरेंट अमेजिंग व्यू है। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इमीडिएटली कर लें, माय चैनल नेम तानी अली, सो डैट मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, दोबारा मिलते हैं।